तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज के शाम के डिनर में मैं क्या स्पेशल बनाने वाली हूँ। सो गाइस, अपना मोबाइल छोड़कर कहीं भी मत जाइएगा। मैं इडली और डोसा कैसे बनाने वाली हूँ ये देखने के लिए प्लीज आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। So guys, housewife की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि खाने में क्या बनाएं। और सच बताऊं, मेरी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अक्सर यही होती है कि खाने में क्या बनाएं। सैटरडे और संडे सुमित का वीक ऑफ रहता है, तो सैटरडे और संडे को सुमित की खास तौर से फरमाइश रहती है कि प्लीज खाने में कुछ अच्छा और टेस्टी बनाया जाए। आप सब लोगों की तरह मेरा भी दिमाग बहुत खराब हो रहा था कि खाने में क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए और अच्छा लगे और टेस्टी भी हो। तो सुमित ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना सैटरडे और संडे के दिन इडली और डोसा बनाया जाए। तो दोस्तों, डोसा बनाने की मैंने थोड़ी थोड़ी तैयारी कर ली है और थोड़ी बाकी है, तो चलिए चलती हूँ अपनी किचन में। लेट्स गो। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपनी किचन में और चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने डोसे के लिए क्या क्या तैयारी की। ये देखिए दोस्तों, डोसा बनाने के लिए पेस्ट बिल्कुल बनकर रेडी है। और डोसे के लिए हमें चाहिए होगा मसालेदार आलू का पेस्ट, तो ये मैंने आलू बॉईल करके रख लिए हैं, बस इन्हें फ्राई करना बाकी है। और डोसे के साथ मैं बनाने वाली हूँ नारियल की चटनी, नारियल और मूंगफली दाने की चटनी, तो ये भी हमारी रेडी है, बस इसको भी फ्राई करके अच्छे से फिर इसको अच्छे से पीसना बाकी है। तो दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहले अपने आलू फ्राई करके रेडी कर लेती हूँ। और हमारे आलू बिल्कुल रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तो दोस्तों, ये देखिए हमारे मसालेदार आलू तो हो गए हैं बिल्कुल रेडी। किचन से अब बाहर आ जाती हूँ और थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा खा लेती हूँ, क्योंकि किचन में गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। गाइस, हम लोगों ने अभी शाम की चाय भी नहीं पी है, पास में ही हमारे आंटी अंकल रहते हैं, तो आज उनके बच्चे हमसे मिलने आने वाले हैं और साथ में हम डिनर भी यहीं पे करेंगे। तो मैं और सुमित उनका वेट कर रहे थे कि वो लोग आ जाए, फिर मैं जो है चाय बनाती हूँ और हम दोनों उनके बच्चों के साथ में मिलकर। ये देखिए दोस्तों, ये है अनामिका। हेलो। और ये है अजय। हेलो। और इनको तो आप जानते ही हैं। तो फाइनली मैं अपनी चाय बना लेती हूँ। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था कि जल्दी से अजय और अनामिका आए और जल्दी से मैं चाय बनाऊँ, क्योंकि शाम की चाय का वेट मुझसे बिल्कुल नहीं होता है। गाइस, तो ये देखिए हमारी चाय बनकर रेडी है, अभी हमारा चाय नाश्ता हो रहा है, समोसे खा रहे हैं हम लोग इस वक्त। ये देखिए, तो मेरी नारियल की चटनी बनकर रेडी हो गई है, सांभर रेडी हो गया है। अब मैं जा रही हूँ इडली बनाने के लिए। तो अपने इडली कुकर में मैं इडली बनने के लिए रख देती हूँ और फिर हम ऊपर जाकर देखते हैं कि सुमित और अजय क्या कर रहे हैं। मेरा लगभग खाना रेडी हो गया है,
मेरी इडली बनने के लिए मैंने इडली कुकर में रख दी है और भी मैंने खाना रेडी कर लिया है। अब बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए मैं फटाफट अब डोसे बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है, 10 बजने वाला है और बच्चों को भी अभी घर जाना है, तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं ताकि वो भी जल्दी से अपने घर जा सके। इसलिए चलिए मैं फटाफट, इडली बनती रहेगी साइड में गैस पे, मैं डोसे बनाना भी स्टार्ट कर देती हूँ। सबके लिए खाना लगा देती हूँ, क्योंकि अभी अनंत अजय को अपने घर भी निकलना है और काफ़ी लेट हो रहा है, तो ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। ये गाइस देखिए डिनर रेडी है और सब लोग बड़े प्यार से खा रहे हैं, तो हम सब अभी एक साथ खाना खा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रही है, मज़ा तो मैच देखने में ज़्यादा। तो अभी अनामिका और अजय जा चुके हैं अपने घर, सुमित उन्हें छोड़ने के लिए गए हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी। चलिए मैं अभी अब अपने थोड़े से काम खत्म कर लेती हूँ, अपनी किचन साफ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस तो मैं अपने सारे काम भी ख़त्म कर चुकी हूँ और मैं फाइनली अपने रूम में आ गई हूँ, और मेरा फेस देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि वाकई में मैं इतनी थक गई हूँ और मेरे सर में भी हल्का सा पेन होने लगा है। तो चलिए आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मैं भी रेस्ट करती हूँ और आप भी रेस्ट कीजिए। तो दोस्तों हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, देखो आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।